तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका RCET एग्ज़ाम जो है और दो शिफ्टों में आयोजित होने वाला है। फर्स्ट आपका होने वाला है 7 मई को और सेकंड आपका होने वाला है 14 मई को। तो आप सभी को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है और कौन से शिफ्ट में आयोजित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है बुक 1, सेकंड है डॉक्यूमेंट 1, थर्ड है सीट 1 या फिर अनटाइटल। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में बनी हुई जो फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है बुक 1, यानी कि ऑप्शन ए सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट 1 पूछे तो ये होता है MS वर्ड में बनी हुई डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम। तो यहाँ से आप सभी का ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। व्यू शो या फिर स्लाइड शो, कस्टम व्यू या फिर स्लाइड शो। आपको यहाँ पे बताना है कि पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप स्लाइड शो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आपसे पूछा है ओरिएंटेशन के प्रकार। तो फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, और पेज की स्थिति बताता है कि आपको पेज कैसा रखना है। पोर्ट्रेट का मतलब आपका पेज ऐसा और सीधे फॉर्मेट में होता है, जबकि लैंडस्केप का मतलब होता है पेज आपका ऐसे सौड़े फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ से पेज ओरिएंटेशन के प्रकार पूछे हैं, तो पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आपको क्या बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर या फिर इटैलिक। ये जो तीनों नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, बोल्ड होता है, रेगुलर होता है और इटैलिक होता है, ये तीनों क्या होती है, फॉन्ट की स्टाइल होती है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट दिया हुआ है ये फॉन्ट की स्टाइल नहीं होती। तो यहाँ से ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप कौन सी कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर या फिर स्पेस बार। तो बाई ओर से पूछे तो आपको याद रखना है, बाई ओर से पूछा जाएगा तो आपको बैक स्पेस याद रखना है, इसके अलावा दाई ओर से पूछे तो दाई ओर से आपको डिलीट याद रखना है। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका बैक स्पेस बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर दाई ओर से पूछे तो आपको डिलीट याद रखना है। इसके अलावा एंटर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा कि MS वर्ड में नया पेज दर्ज करने के लिए शॉर्टकट की है, तो आपको याद रखना है एंटर। तो यहाँ से इतनी सी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन सी कुंजी दबाने से स्लाइड शो जो है समाप्त हो जाता है, एस्केप की, शिफ्ट की, Alt+M या फिर Ctrl+F4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कुंजी दबाने से स्लाइड शो आपका समाप्त हो जाता है। तो एस्केप की दबाने से स्लाइड शो आपका क्या हो जाता है, और समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पाथ क्या है। तो आपको पूछा गया है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है या फिर एक स्लाइड को आइटम पर मूव करने की विधि है, एनिमेशन इफेक्ट है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक स्लाइड को आइटम पर मूव करने की विधि मोशन पाथ कहलाती है। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष सीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वृक्ष सीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, और निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हो, फ्रीज पेंस कमांड या फिर अन्य फ्रीज पेंस कमांड, स्प्लिट कमांड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आप सभी का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग कर सकते हो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चाइनीज सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चाइनीज सेल से एक चार्ट बनाने के लिए आप जो है F11 का यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन बी या से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का संग्रह है जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा यानी कि प्रोग्रामों का संग्रह होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुँच प्राप्त करने से हैकर्स या फिर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है, फायरवॉल, एंटीवायरस या फिर कंट्रोल पैनल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, यानी कि एक नेटवर्क या फिर इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुँच प्राप्त करने से हैकर्स या फिर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपको बतानी है, तो यहाँ से आपका बिल्कुल हो जाएगा यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, APDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम आप क्या पूछा है, MSP। या से EPDS प्रणाली से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है सीधा इस बार भी आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले तो आपको EPDS का पूरा नाम पूछे तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके संदर्भ में आपसे एक तो पूछेगा MSP, तो MSP का पूरा नाम ऐसे हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर FES का पूछे इसी के संदर्भ में आपसे पूछेगा कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS क्या पूछेगा आपको, FPS तो आपको बताना है फेयर प्राइस ऑफ, या फिर इसी के संदर्भ में APL का पूछे तो होगा एबो पॉवर्टी लाइन, और BPL का पूछे तो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इतनी सी बात है आपको यहाँ से याद रखनी है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन के सामने, और किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइलों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हो, ब्लूटूथ, गूगल मैप, राजस्थान संपर्क या फिर गूगल ग्लास। तो आप ब्लूटूथ का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में शेयर इट मिले तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ आप कम दूरी के लिए कर सकते हैं, गूगल मैप का आप रास्ता एवं दिशाएँ खोजने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और राजस्थान संपर्क जो है नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को क्वेश्चन है आपका यहाँ से, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फोल्डर लॉक, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जब कोई यूज़र खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या फिर ड्रॉप कैप, यानी कि किस पर ले जाता है। तो यहाँ से जब कोई यूज़र क्या करता है, हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है ना, हाइपरलिंक शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल के साथ क्या होगी, कंट्रोल प्लस के आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम, तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐप जो है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो अभी मैंने आपको बोला था ना राजसंपर्क, यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन्स के मध्य अलाइन करता है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन से अलाइन करता है। तो आपको सबसे पहले तो अलाइनमेंट आपको याद रखने हैं, चार प्रकार के होते हैं, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, एक होता है आपका जस्टिफाई, एक होता है राइट।
अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि ये चार प्रकार के आपके अलाइनमेंट होते हैं। तो आपको क्या पूछा है कि पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है, तो जस्टिफाई आपका हो जाएगा, है ना। जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे, सेंडर की होती है कंट्रोल प्लस ई। तो आप सभी को यहाँ से इतनी सी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है यूपीआई का पूरा नाम। तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हो उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कैलकुलेटर, डस्टबिन, रिसाइकल बिन या फिर न्यू फोल्डर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रिसाइकल बिन अस्थायी भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, नॉर्टन, नेटस्केप, नेविगेटर, कैस्परस्की या फिर क्विक किल। तो एंटीवायरस का उदाहरण आपको पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नॉर्टन आपका होता है और कैस्परस्की होता है और क्विक किल होता है ना, तीनों होते हैं, जबकि नेटस्केप नेविगेटर है ये किसका उदाहरण होता है, यह आपका होता है वेब ब्राउजर का। तो ऑप्शन बी ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। तो डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू आपकी कहलाती है डेटा लेबल्स, यानी कि डाटा लेबल्स कहलाती है, ऑप्शन बी ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए, ना क्वेश्चन वापस आपका रिपीट हुआ है, तो इसका बता दिया मैंने आपको, बैक स्पेस होता है बाई ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तन करता है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तन करता है कौन आपका, मॉडेम करता है ना। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर। वाईफाई का पूरा नाम पूछे तो याद रखना है वायरलेस फिडिलिटी, और DSL का हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ISP का मैंने आपको बता दिया था अभी, यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सी वेबसाइट है। तो पैन कार्ड आवेदन के लिए आपकी वेबसाइट है NSDL। NSDL का पूरा नाम पूछा तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। और नया पैन आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म नंबर 49A भरा जाता है। और पैन का पूरा नाम पूछे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, या फिर आगे आपका ऑप्शन है UIDAI। ये इसने किसको जारी किया है, तो आपको याद रखना है आधार कार्ड को जारी किया है। आधार कार्ड के अंदर कितनी संख्या होती है, तो आपको बताना है 12 होती है। और इसका पूरा नाम पूछा तो होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से आप मिटा सकते हो, DRAM, PRAM, EPROM या फिर EEPROM। यहाँ से आपका राइट हो जाएगा EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। DRAM यानी कि डायनामिक रैम, PRAM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा है बूटिंग क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना या फिर उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना आपका क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। बूटिंग आपके दो टाइप्स की होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हो। तो कोर्टाना, मैथ इनपुट पैनल, स्निपिंग टूल या फिर विंडोज स्टोर। आपको क्या पूछा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्निपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। कोर्टाना आपका क्या होता है, एक वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट होता है। मैथ इनपुट पैनल जो है इसका यूज़ मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और स्निपिंग टूल जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन नाम बताना है। तो 2003 जो है इसका होता है XLS, और 2007 और 2010 का सेम होता है यानी कि XLSX। तो यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है MS PowerPoint में
डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपको क्या पूछा है कि एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी? तो कंट्रोल एन न्यू फाइल की होती है, कंट्रोल एम किसकी होती है? न्यू स्लाइड की, जबकि डुप्लीकेट स्लाइड पूछा है तो यहाँ से आपका हो जाएगा कंट्रोल डी। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड पूछे तो कंट्रोल डी, और न्यू स्लाइड पूछे तो कंट्रोल एम, और न्यू फाइल पूछे तो कंट्रोल एन। अगला क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा ISO 27001 ऑप्शन डी, यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजोल्यूशन आदि के लिए किस ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या से विंडोज मोबिलिटी सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी या फिर यूसी वेब? आपको क्या पूछा है विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में? तो यहाँ से आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको बताना है, क्या पूछा है कि पैराग्राफ को दाएं और बाएं मार्जिन से दूर ले जाने के लिए किसका आप यूज़ कर सकते हो? तो अलाइन, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, इंडेंटिंग या फिर बुलेट और नंबर लिस्ट, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी ऐसे आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि इंडेंटिंग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आती है सबसे पहले आप तक आए।